राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत सरकार द्वारा चयनित 5 देश की महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिंह राव, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। 2020 से लेकर 2023 तक किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था, लेकिन 2024 के लिए केंद्र सरकार ने इन 5 विभूतियों को चुना। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में केरल उपराष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को मरणों उपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया। पूर्व पीएम नरसिंह राव को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले पर उनके पोते एनबी सुभाष ने केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, नरसिंह राव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, चाहे आंध्र प्रदेश के लिए हो या केंद्र के लिए। उन्होंने कई बार साहसिक कदम उठाए। जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय स्थिति बहुत खराब थी। जब कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक सत्ता में रही, तब ना तो पार्टी ने और ना ही गांधी परिवार ने उनके योगदानों को कभी याद किया। पीएम मोदी ने उनके योगदानों को याद रखा और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नरसिंह राव 8 बार चुनाव जीते। उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी में 50 साल बिताने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। राव करीबन 10 अलग अलग भाषाओं में बात कर सकते थे। वो अनुवाद में भी उस्ताद माने जाते थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में पूर्व पीएम नरसिंह राव के बेटे पीबी प्रभाकर राव भारत रत्न लेने पहुंचे। मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक की एवं 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। साल 1929 में मेरठ वापस आने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि चौधरी चरण सिंह की तरफ से उनके पोते जैन सिंह भारत रत्न लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म 1927 में पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के उप प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। इससे पहले वो 1998 से 2004 के बीच भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका बखूबी निभाई है। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाले, कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहां तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी थी। बता दें, राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भारत रत्न लेने पहुंचे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती नमिता कुमारी ने कहा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस भाव को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में साल 1925 में हुआ था। स्वामीनाथन 11 साल के ही थे जब उनके पिता की मौत हो गई। उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। इसे देखते हुए उन्होंने 1944 में मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज में कृषि विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1949 में साइटोजेनेटिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना शोध आलू पर किया था।
बता दें पिछले साल 28 सितंबर को एमएस स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया था। इस वजह से उनकी बेटी नित्या राव भारत रत्न लेने राष्ट्रपति भवन पहुंची। स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989, मैग्सेसे पुरस्कार 1971 और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 महत्वपूर्ण है। बता दें पिछले साल 28 सितंबर को एम एस स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया था।